चलिए गाइस आप सभी की फेवरेट वॉच का अनबॉक्सिंग करते हैं, फास्ट ट्रैक रिवोल्ट FS1 Pro। यस गाइस बहुत ज़्यादा हाइप है इस वॉच की और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ खास मिलता है। वैसे जो लॉन्च ऑफर है कहीं ना कहीं आपको 3995 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिलता है, बट कुछ टाइम के लिए गई थी ये 3500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, बट कुछ लोगों ने ग्रैब किया, कुछ लोगों ने छोड़ दिया। मैंने एक वीडियो भी शेयर की थी, तो गाइज़ आप मेरे को ज़रूर बताना कि किस किस पर्सन ने 3500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में इसको ग्रैब किया। ठीक है, तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। वैसे इस तरीके के अपडेट्स के लिए, इस तरीके के रिव्यूज़ के लिए, अनबॉक्सिंग के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन कॉल कर सकते हो, साथ में हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। डिज़ाइंड इन इंडिया लिखा हुआ है यहाँ पे और कंट्री ऑफ ओरिजिन PRC है। यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे दो सील्स में जाती हैं आपको, दोनों तरफ फास्ट ट्रैक की ब्रांडिंग है, तो आप दोनों सील्स को इस तरीके से भी ब्रेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे आसानी से ब्रेक हो जाती है। ठीक है, और हम इसको ओपन करते हैं। ओके, सबसे ऊपर यहाँ पे फोमिंग मिल जाती है ताकि वॉच की स्क्रीन बची रहे, और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे वॉच रखी मिल जाती है। इस बार स्ट्रैप्स अलग से नहीं रखे और काफ़ी अच्छी पैकिंग करी गई है। यहाँ पे ये क्या है, चार्जिंग केबल। ओके, कुछ यूज़र मैनुअल मिलती है आपको यहाँ पे, और ये है आपकी प्रोडक्ट मैनुअल, इतनी सी छोटी सी और साथ ही में आपका ये क्या है, रिवोल्ट FS1 Pro, ये पेयरिंग गाइड है शायद, और ये वारंटी इन्फॉर्मेशन है, बेसिकली वारंटी रजिस्टर करने के लिए। चार्जिंग केबल की क्वालिटी मैं देखना चाहता हूँ, वैसे मैक्सिमम वॉचेस की ठीक ठाक रहती है, अच्छी है इसकी क्वालिटी डेफिनेटली। यहाँ पे मतलब केबल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है इसकी, अदर वॉचेस की तरह नहीं है जो मतलब फ्लिमजी सी होती है। चलिएगा इस वॉच पे आते हैं, इसको रखते हैं साइड में। सो वॉच हमारी ये रही, काफ़ी हल्की वॉच है डेफिनेटली यहाँ पे, और यहाँ पे एक और फोमिंग है अंदर की साइड, और यहाँ पे स्ट्रैप मिल जाता है 7795 की वॉच बोली गई है। ये क्राउन की वर्किंग होता ना मज़ा आता है यहाँ पे, ये एक्शन दिया गया बट यहाँ पे क्राउन की वर्किंग नहीं है। स्ट्रैप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है गाइस, डेफिनेटली यहाँ पे मैं कह सकता हूँ स्ट्रैप मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका, और पीछे डेडिकेटेड सेंसर के साथ ही वॉच आती है। यस गाइस, सो गाइज ये रही वॉच इटसेल्फ, और सिमेट्रिकल बेजल्स के साथ ये वॉच आती है, देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा सा, देखो सिमेट्रिकल बेजल्स है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। 1.96 इंचेस की इंडस्ट्री लीडिंग बड़ी डिस्प्ले मिलती है काफ़ी, और इसी के साथ साथ स्ट्रैप सॉफ्ट सिलिकन स्ट्रैप है, आपके फास्ट ट्रैक की यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है, और इवन यहाँ पे फास्ट ट्रैक का लोगो मिल जाता है। पीछे की साइड डेडिकेटेड सेंसर के साथ ही वॉच आती है, इसको हम निकाल लेते हैं, पील ऑफ कर लेते हैं, और यहाँ पे ओके देख सकते हो यहाँ पे गाइस आप, और यहाँ पे प्लास्टिक केस मिलता है, और ये थोड़ी सी कर्व की गई है, मतलब पूरी पूरी बॉडी कर्व्ड है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसमें मेटल का फिनिशिंग होता तो और मज़ा आता, आई नो यहाँ पे मज़ा आता, बट गाइज ये पॉलीकार्बोनेट इसलिए रखा गया है ताकि ये पूरी की पूरी बॉडी मतलब यहाँ पे फ्लश हो सके, इस तरीके से कर्व्ड हो सके, और आपके हाथों पे काफ़ी अच्छी लगेगी ये। लास्ट मीडियम डिस्प्ले परफेक्ट है गाइज, परफेक्ट, बहुत ही अच्छी लग रही है, और एकदम स्नग फिट आ रही है। देखो यहाँ पे थोड़ी सी टिल्टेड है जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी लग रही है ये। ठीक है, तो ये मेरे को काफ़ी बेटर लगा इस वॉच का खासकर। और यहाँ पे स्पीकर का वेंट है, माइक खीरा, ठीक है, इधर दो वेंट है बेसिकली, एक नॉइस कैंसिलेशन का भी हो सकता है, बट अभी चेक करेंगे, फिलहाल इसको हम ऑन करते हैं। गाइज वैसे इस तरीके की अनबॉक्सिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी टेकबुक नाम से उसको ज्वाइन कर लो, और उसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, उसी के साथ साथ आप एक काम और कर सकते हो, वो है हमारा टेकपोक का हैंडल इंस्टाग्राम का, उसको भी फॉलो कर लो। तुम गाइस इसको पेयर करना है फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स एप्लीकेशन से, देन हम आते हैं। आपको सिंपल सा काम करना है, आपको QR कोड को स्कैन कर लेना है, और यहाँ पे आ जानी चाहिए, देख सकते हो यहाँ पे कनेक्टिंग आ रहा है डायरेक्टली, तो ये भी अच्छी बात है। यहाँ पे आपको दो चीज़ें ऑन कर देनी है फ़ोन में, लोकेशन सर्विसेज और ब्लूटूथ आपको ऑन कर देना है, ये पेयर हो जाएगी, देख सकते हो यहाँ पे कन्फर्म हो चुका है, और यहाँ पे कॉलिंग वाला भी रिक्वेस्ट आ चुकी है, सिंगल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है बेसिकली। ठीक है, अब गाइस मैं आपको यहाँ पे वॉच दिखाता हूँ प्रॉपरली, देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी स्मूथ लग रही है गाइस, यहाँ पे बैटरी परसेंटेज भी शो कर रहा है, और यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल्स में बढ़ाता हूँ थोड़े से, ये रे सबसे ज़्यादा ब्राइट हो जाती है डिस्प्ले, काफ़ी ब्राइट है गाइस, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है वॉच में आपको, और 60 हर्ट्ज़ का रेट नहीं मिलता बेसिकली इसमें, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको मिल जाता है, देख सकते हो। यहाँ पे राइट साइड में स्वाइप करते हैं, यहाँ पे शॉर्टकट मिल जाते हैं सारे के सारे। ये मेरे को फास्ट ट्रैक रिवोल्ट FS1 का जो मतलब UI था ना, सेम वही लग रहा है जैसे मैंने आपको बताया था वैसे भी। ठीक है, यहाँ पे आपको गेम्स भी हटा दिए गए हैं क्या, गेम्स तो मिलते हैं आपको, बस कैलकुलेटर ऐड नहीं किया गया, कैलकुलेटर भी ऐड करना चाहिए था इनको, तो गेम्स हम देख लेते हैं कितने मिलते हैं आपको, यहाँ पे 4 गेम मिलते हैं बेसिकली आपको। ठीक है, 4 गेम सेम उस तरीके से, तो ये मेरे ख्याल से फास्ट ट्रैक रिवोल्ट FS1 ही वॉच है, बट उसको अपग्रेड किया गया है थोड़ा सा डिस्प्ले में और ओवरऑल कहीं ना कहीं। यहाँ पे अगर हम चेक करें सारी की सारी चीज़ें, ऊपर की साइड से स्वाइप करते हैं, टॉगल मेन्यू मिल जाता है, टॉगल मेन्यू आपको यहाँ पे ये आपको मिल जाता है स्विच करने के लिए,
जैसे कि D&D मोड ऑन ऑफ करने के लिए, और यहाँ पे कॉलिंग वाला ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप मीडिया ऑडियो ऑन ऑफ भी कर सकते हो। अभी मेरा कनेक्टेड है फ़ोन। सेटिंग पे हम जाते हैं, यहाँ पे और चीज़ मिल जाती है। ये है आपका, यहाँ पे होम पे आते हैं क्या, लो पावर मोड है बेसिकली। यहाँ पे सेटिंग पे जाते हैं तो सेटिंग में आपको वॉच फेस मिल जाते हैं। सबसे पहले वॉच फेस तो हमने चेक कर ही लिए, और उसी के साथ साथ आपको स्क्रीन टाइम का ऑप्शन मिलता है। स्क्रीन टाइम यहाँ पे 10, 15, 20, 30 सेकंड तक का मिल जाता है। मैनी स्टाइल यहाँ पे लिस्ट और ग्रिड वाला मिल जाता है। ग्रिड वाला हम कर सकते हैं यहाँ पे, और वाइब्रेशन इंटेंसिटी आप कंट्रोल कर सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पे साउंड सेटिंग में जाते हो, यहाँ पे रिंग भी कर सकते हो, वाइब्रेशन भी कर सकते हो, प्रॉपर म्यूट भी कर सकते हो। तो रिंग, वाइब्रेशन, म्यूट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से सारी चीज़ें मिलती हैं। अब गाइस यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का वॉच फेस मेरे को देखना था एक्चुअली। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है कि नहीं इसमें, AOD एरा, AOD क्लॉक। तो यहाँ पे ये रिंग, तो AOD अभी ऑफ है, इसको नहीं ऑन है एक्चुअली। ये रहा डिजिटल क्लॉक हमने ऑन कर लिया है। ये देखो डिजिटल में इस तरीके से मिलता है आपको, कलर्ड है और विजिबल है अच्छी तरीके से। एज सच कोई दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ पे, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे एनालॉग वाला चेक कर लेते हैं एक बार। AOD एनालॉग, ठीक है। तो यहाँ पे एनालॉग में इस तरीके से मिलता है, फास्ट ट्रैक की ब्रांडिंग मिल जाती है। तो गाइस काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। लेफ्ट साइड में आपको मेन्यू खुल जाता है। गाइस में 60 Hz का सैंपल रेट नहीं मिलता, थोड़ा सा लैग कर रहा है, देख सकते हो यहाँ पे, देख सकते हो एकदम मतलब फ्लूड नहीं है, थोड़ा सा लैग कर रहा है ना। और यहाँ पे अब हम सारी की सारी चीज़ें चेक करेंगे। वैसे ये है आपका फिटनेस, जो आपने एक्टिविटी परफॉर्म की है। यहाँ पे स्पोर्ट्स में मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, वॉकिंग ही कर लेते हैं ना, सबसे पहले हम यही चेक कर लेते हैं। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे और चेक करते हैं 50 स्टेप चलने के बाद क्या कुछ एक्यूरेसी मिलती है इस वॉच के इटसेल्फ, ठीक है। तो इसको मैंने पहन लिया गाइस, 50 से 60 स्टेप्स में चलूँगा। तो गाइस मैंने 51 या 52 स्टेप चले यहाँ पे, और यहाँ पे 52 दिखा रहा है। तो गाइस एक्यूरेसी के मामले में टॉप ऑफ द लाइन ये वॉच बन जाती है गाइस, डेफिनेटली यहाँ पे एक्यूरेसी अच्छी मिल रही है आपको। बैक करते हैं यहाँ पे, उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे स्लीम मोटर का ऑप्शन मिलता है, हार्ट रेट मोटर मिल जाता है। हार्ट रेट को टू द एयर चेक कर लेते हैं यहाँ पे। डेडिकेटेड सेंसर के साथ ये वॉच आती है, मैं आपको क्लियरली बता दूँ यहाँ पे। और यहाँ पे ऑन ही नहीं है, यहाँ पे सेंसर यहाँ पे स्कैन नहीं कर रहा है। टैप करते हैं, यस मेजर फील्ड आ चुका है यहाँ पे। SPO2 मोटर चेक करते हैं यहाँ पे, ओवर द एयर यहाँ पे। तो गाइज ये भी स्कैन नहीं करेगा, ओवर द एयर यहाँ पे पास कर जाती है टेस्ट को, ठीक है। तो ये भी कमाल की बात है। उसी के साथ साथ यहाँ पे ओवर द सरफेस भी चेक कर लेते हैं एक बार। देखते हैं सरफेस पे बताती कि नहीं बताती, नहीं बता रही है। तो गाइस सरफेस पे भी यहाँ पे जो सेंसर है अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं बताते हैं। और यहाँ पे कॉलिंग वाला ऑप्शन मिल जाता है, तो कॉलिंग एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। लाउडनेस चेक करेंगे वॉच की, इसमें तो बड़ा स्पीकर होना चाहिए, तो इसकी वजह से लाउडनेस बेटर होनी चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ अभी तो हाफ ही है, ये तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी लाउड है, काफ़ी ज़्यादा लाउड है गाइस। लास्ट टाइम मैं लाउडनेस सुनी थी फायरबोर्ड की स्फीयर की, उसको मैच कर रही है, काफ़ी ज़्यादा लाउड है, मतलब कमाल हो गया। और ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन भी है यहाँ पे। कॉन्टैक्ट अभी हम चेक कर लेंगे यहाँ पे, वॉइस असिस्टेंट चेक करते हैं। व्हाट इज़ द वेदर ऑफ फरीदाबाद? आवाज़ बढ़ानी तो फ़ोन से बढ़ा सकते हो आप, तो इस तरीके से बता रहे हैं, ये अच्छी बात है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्लेयर का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, म्यूज़िक प्लेयर। अभी हम चेक करेंगे शटर स्पीकर यूज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। ये क्या है, ओके ब्रीद रिलैक्स मोड में जाता है। यहाँ पे वेदर अपडेट्स में जाते हैं, वेदर अभी मेरे ख्याल से नहीं लेगा, अभी हमने एप्लीकेशन चेक नहीं किए। अलार्म इन द वॉच इटसेल्फ आप लगा सकते हो, यस अभी हम चेक करेंगे। इसमें अलार्म रिंग बजती है, वाइब्रेट होता है। यहाँ पे फाइंड माय फोन का ऑप्शन मिलता है। टॉर्च लाइट मिल जाती है यहाँ पे, देखते हो सिमेट्रिकल बेजल्स हैं, बेजल्स आप देख लो चारों तरफ से, तो सिमेट्रिकल बेजल्स मिलती हैं इसमें आपको, ठीक है। ब्लैक बॉर्डर है डेफिनेटली, बट यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि ये पूरा का पूरा कर्व करके डिस्प्ले ऊपर, उसी के साथ साथ यहाँ पे ब्लैक बॉडी है ना, तो ब्लैक बॉडी ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर आप वो टील वाला लेते हो उससे बेटर रहेगा ब्लैक वाला, ठीक है। और यहाँ पे, और यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आया था डायरेक्टली, ठीक है। तो हमने ये सारी की सारी चीज़ चेक कर ली यहाँ पे। अब हम एप्लीकेशन पे आते हैं, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे क्या क्विक रिप्लाई ऑप्शन है या नहीं है, A to Z सारी की सारी चीज़ें। तो यहाँ पे फर्मवेयर अपडेट ढूंढ रहा है, यहाँ पे अपडेट करने का ऑप्शन भी है क्या, लो अपडेट भी हो गया। तो गाइस ये कमाल की बात है, गाइस अपडेट ही आ गया सीधे, मतलब वॉच आते ही। तो गाइस मेरे को याद है जब हमने फास्टैग रिवोल्ट FS1 का अनबॉक्सिंग किया था, उस टाइम भी अपडेट आया था, और आज भी यहाँ पे रिवोल्ट FS1 प्रो में भी आते ही हमको अपडेट मिल चुका है। तो थोड़ा सा जो जिटरनेस आ रही थी ना, लैग थोड़ा सा हो रहा था, वो देखते हैं यहाँ पे रिजॉल्व हुआ है कि नहीं। मतलब अभी तो अपडेट से पहले इशू है थोड़ा सा, बट अभी देखते हैं अपडेट के बाद क्या कुछ चेंजेस हैं।
तो अपडेट ख़त्म हो चुका है और ऑटोमेटिकली वॉच ऑन हो जाएगी, आपको टच नहीं करना है, ठीक है यहाँ पे, और ऑटोमेटिकली पेयर भी हो जाएगी आपके फ़ोन के साथ। तो देखते हैं यहाँ पे, होल्ड ऑन आ रहा है यहाँ पे, फिर से चेक कर रहा है फोन पेयर, ऑन हो चुकी है वॉच। ओके, QR कोड से स्कैन करने के लिए बोल रहा है, फिर से पेयर हो गई है। अब यहाँ पे स्मूथनेस देखेंगे, स्मूथनेस में जिटरनेस थी थोड़ी सी, मतलब जिटर हो रही थी, अभी तो फिलहाल ठीक चल रही है, देख सकते हो यहाँ पे, है ना, बट उतना ज़्यादा फ्लूड नहीं हुई अभी भी, मतलब समझ सकते हो आप। यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू करते हैं, स्किप कर देते हैं। गूगल फिट से भी आप इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हो, ठीक है। वेदर अपडेट्स यहाँ पे परमिट कर देना है, यहाँ पे DND एक्सेप्शन, ओके, तो इसको फास्टट्रैक रिफ्लेक्स जो वर्ल्ड एप्लीकेशन है उसको आपको अलाउ कर देना है यहाँ पे, ठीक है, बस दैट्स इट, आपका काम हो गया। यहाँ पे परमिटेड, और यहाँ पे क्विक रिप्लाई भी परमिटेड, तो क्विक रिप्लाई को भी परमिटेड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे वॉच पे आते हैं, तो वॉच हमारी इटसेल्फ ये रही, और वॉच फेसेस आपको टर्न्स ऑफ मिल जाते हैं इसमें, हम इंटरेस्टेड हैं अपनी पिको एज वॉच फेस लगाने में, ये तो आपको टर्न्स ऑफ वॉच फेस मिल जाते हैं, बट कस्टम पे जाते हैं, यहाँ पे गैलरी में से चूज़ करते हैं। सिंक्रोनाइज हो रही है अभी, सिंक्रोनाइज थोड़ा सा रुकना है आपको, जब तक ये सिंक्रोनाइज हो जाए उसके बाद आपको टैप करना है, अभी प्रोग्रेस में ही है। सो गाइस, अपनी पिको हमने लगा लिया, टाइम यहाँ पे शो कर रहा है, टाइम को हम मूव कर सकते हैं क्या? टाइम तो मूव नहीं हो रहा है एक्चुअली, बस कलर चेंज कर सकते हो आप। यहाँ पे लगाते हैं स्टॉल, सो गाइस यहाँ पे लग चुकी है, कमाल की लग रही है पिक, क्योंकि मतलब पिक्सल साइज कमाल का, तो इसी वजह से पिक भी कमाल की लग रही है। सो गाइस, अब यहाँ पे और चीज़ चेक कर लेते हैं, यहाँ पे बैक करते हैं, यहाँ पे आपका वॉच पे जाते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ में जाते हैं और सेटिंग पे जाते हैं, यहाँ पे हम लोकेशन अलाउ कर देना है यहाँ पे। अब गाइस यहाँ पे और चीज़ में जाती है, इसकी गोल्स का ऑप्शन है, हेल्थ ऑटो, हार्ट रेट मॉनिटर, स्ट्रेस मॉनिटर और हाइड्रेशन रिमाइंडर भी मिल जाता है आपको इसमें, और नोटिफिकेशन आपको यहाँ से अलाउ कर देना है, ठीक है। यहाँ पे फास्टट्रैक रिफ्लेक्स जो है आपका, इसको अलाउ कर देना है, दैट्स इट। उसके बाद नोटिफिकेशन आपके आने लगेंगे वॉच में इटसेल्फ। फ़ोन एक्सेस भी अलाउ कर देना है, ठीक है, अलाउ, कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड अलाउ कर देना है, सब कुछ अलाउ कर देना है, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। उसके बाद आपका यहाँ पे हेल्थ पे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे ये सब चीज़ मिल जाती हैं, और हाइड्रेशन अलर्ट भी मिल जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे माई वॉच पे जाते हैं, तो यहाँ पे फाइंड माई वॉच का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे सर्च करते हैं, रिंग वाइब्रेट दोनों ही हो रहा है। क्विक रिप्लाई यहाँ पे आप इनेबल हो रखा है यहाँ पे ऑलरेडी, और लिफ्ट टू व्यू रेस टू वेक ऑन है एक्चुअली, यहाँ पे हम चेक करते हैं, रेस टू वेक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ, यस काम कर रहा है, ठीक है, प्रॉपरली देखो, मतलब इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यहाँ पे वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फेवरेट कॉन्टेंट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, कितने कर सकते हो वो भी चेक करते हैं। सो गाइस मैंने चेक कर लिया, 50 कॉन्टेंट्स तक मैक्सिमम आप इसमें सेव कर सकते हो, और ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, देख सकते हो यहाँ पे 50 कॉन्टेंट्स आप इसमें डाल सकते हो, तो ये कमाल की बात है। और जनरल में जाते हैं वहाँ पे, माई वॉच पे तो हमने चेक कर लिया, कॉन्टैक्ट्स हमने ऐड कर लिए, और अलार्म लगाने का ऑप्शन मिलता है, 11:21 हो रहा है, तो 11:22 का हम AM का अलार्म लगा लेते हैं, और सब दिन का, ठीक है, टर्न ऑन, तो यहाँ पे लग चुका है। अब देखते हैं यहाँ पे रिंग बजेगा कि वाइब्रेट, तब तक हम और चीज़ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे वेदर यहाँ पे ले लिया इसने वॉच में इटसेल्फ, मेरे ख्याल से ले लिया होगा यहाँ पे, यस ले लिया इसने, तो ये भी अच्छी बात है यहाँ पे प्रॉपरली। और म्यूज़िक प्लेयर का ऑप्शन मिलता है, म्यूज़िक आप वॉच में सुन सकते हो कि नहीं सुन सकते वो भी चेक करते हैं हम। अपडेट वॉच का ऑप्शन है, अपडेट तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, ऑलरेडी अप टू डेट है। यहाँ पे वाइब्रेट हो रही है वॉच, दैट्स इट, रिंग नहीं कर रही है। तो गाइस यहाँ पे अलार्म पे आपकी वॉच रिंग नहीं करती है, ठीक है। अब यहाँ पे सॉन्ग सुन के देखते हैं वॉच में, तो गाइस में ऑडियो प्रोफाइल का ऑप्शन सैडली मिलता है गाइस, यस यहाँ पे जाना है आपको, मीडिया ऑडियो ऑन कर देना है, आपके वॉच में सॉन्ग आने लगेगा। और यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ानी तो फ़ोन से बढ़ा सकते हो, वैसे मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाता हूँ बढ़ा के थ्रू द म्यूज़िक प्लेयर, तो वॉच को भी एज शटर स्पीकर आप यूज़ कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पे अब हम कॉल मिला के देखते हैं, यहाँ पे मीडिया ऑडियो मैंने ऑफ कर रखा है, ऑन कर रखा है, इसको ऑफ कर देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कॉल मिला के दूसरे फ़ोन से, तो हमने कॉल मिला दी यहाँ पे, यहाँ पे नाम आता है कि नंबर आता है वो चेक करना है मेरे को खासकर सबसे पहले। तो यहाँ पे देख सकते हो नाम आ रहा है, और यहाँ पे वो करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे वॉच वाइब्रेट हो रही है दैट सेट अभी फिलहाल। तो उसके साथ साथ यहाँ पे क्विक रिप्लाई का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जो गाइस रिवोल्ट FS1 में नहीं मिलता था वो इसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब मीडिया ऑडियो ऑन करके एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे मीडिया ऑडियो मैंने ऑन कर दिया है, अब देखते हैं तब भी यहाँ पे सिर्फ वाइब्रेट ही हो रही है, ठीक है। अभी काम करते हैं यहाँ पे सेटिंग पे चलते हैं, सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे हम साउंड सेटिंग पे जाते हैं, और यहाँ पे रिंग पे कर देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे फ़ोन की रिंग टोन आएगी आपकी वॉच की आएगी,
वॉच की रिंगटोन आ रही है और वाइब्रेट भी कर रही है वॉच, तो चाहो तो पूरा म्यूट भी कर सकते हो, आपको वाइब्रेशन ऑफ करना है, दैट्स इट। रिंग वाइब्रेशन प्रॉपर्ली म्यूट करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। अब गाइस वॉच का वेट कर लेते हैं, मैं सब कुछ कवर करना चाहता हूँ एक वीडियो में, मतलब ए टू जेड आपको इन्फॉर्मेशन मिले, तगड़ी मिले। आप फिर कभी अपने पैसे ना वो करो, यहाँ पे वॉच वर्थ है कि नहीं वो भी हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे 43 ग्राम्स की गाइस, और गाइस अब यहाँ पे फाइनली ये काम करते हैं, यहाँ पे वॉच को ऑक्सीमीटर के साथ चेक करते हैं, यहाँ पे एक्यूरेसी कैसी क्या मिलती है। तो गाइस हाथ पे काफ़ी अच्छी लग रही है और रेस्ट हुए बहुत ही मतलब सेंसिटिव अच्छी तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे ऑक्सीमीटर को मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है, यहाँ पे हम चेक करते हैं हार्ट रेट, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या ऑक्सीमीटर को मैच कर पाता है कि नहीं कर पाता। ऑक्सीमीटर में रिजल्ट आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हो 81 दिखा रहा है हार्ट रेट और 97 SpO2 दिखा रहा है, ठीक है 97 SpO2। इसमें चेक करते हैं 82 हार्ट रेट हो चुका है उसमें, वॉच में अभी भी स्कैन कर रहा है तो 80 हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। और SpO2 चेक करते हैं गाइज। एक चीज़ और, अगर किसी को ये वॉच बाय करनी है तो मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम पे आंसर कर दूंगा उसको। 3500 रुपीज़ की मैं सेल करूंगा क्योंकि 4000 रुपीज़ की मिलती है 3995 में, और उसी के साथ साथ 50 रुपीज़ पर डिलीवरी चार्ज आएगा, 50-60 रुपीज़ मैक्सिमम, तो 3560 रुपये की पड़ जाएगी। अगर किसी को बाय करना है तो मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे SpO2 चेक करते हैं, कहाँ गया, अरे यार एकदम से ऊपर चला जा रहा है ये रहा, ठीक है तो मेज़र करते हैं यहाँ पे। वैसे मैं SpO2 के लिए रिकमेंड नहीं करता आपको, वैसे सैमसंग भी नहीं बोलता कि हमारी वॉच से आप चेक करें कि हमारे वॉच एक मेडिकल इक्विपमेंट है, तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकता कि मेडिकल इक्विपमेंट की बराबरी कर सकता है ये वॉच, बट यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से आपको मिल जाता है देखने के लिए, ठीक है। तो गाइज़ वॉच 3500 में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बन जाती है, कर्व डिस्प्ले मिलती है और एक्यूरेसी टॉप ऑफ द लाइन मिलती है, मतलब समझ लो कि मतलब एक्यूरेसी बहुत अच्छी मिलती है इसमें आपको। अपनी पिक को ऐसा वॉच पर लगाते हो एकदम लाइफ लाइक लगती है जैसे आपके फ़ोन में लगती है। ब्राइटनेस लेवल्स भी अच्छे हैं यहाँ पे और सनलाइट विजिबिलिटी भी अच्छी मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो गाइज़ यही था एक डीप डाउन रिव्यू अनबॉक्सिंग फास्ट ट्रैक रिवोल्ट FS1 प्रो के लिए। अगर आपका क्वेरी इस वॉच से रिलेटेड कुछ भी रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।